भाई भी डर रहा था। इसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी है, शर्म नहीं आती? को नहीं मारूंगा। अच्छा अच्छा। Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. I hope आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे. So आज की हमारी YouTube वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ एक prank. Like मैंने इससे पहले कभी prank करा नहीं है, and मेरे को बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी लोगों की, prank करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी लाइक prank करूँगी तो मैं फेल हो जाऊँगी, लोग मेरे को झटके से पकड़ लेंगे. बट आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं prank करूँगी, चाहे मैं फेल हो जाऊँ पास हो जाऊँ, मेरे को नहीं, बट आज prank होने वाला है. बट बिफोर दैट मैं आज आप सबके साथ अपना डेली मेकअप रूटीन शेयर करना चाहती हूँ. इसके लिए भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा DMs और कमेंट्स आए थे कि आप शेयर करो, आप कैसे करते हो. तो आज मैं आप सबकी बहुत सारी डिमांड्स पूरी करने वाली हूँ prank एंड मेकअप रूटीन. तो जल्दी आगे बढ़ते हैं मेकअप रूटीन के साथ. सी मैं आपको बताती हूँ, लाइक अभी मैंने डेली बेसिस पे मैं अपना पहले स्किन केयर करती हूँ, जो आप लोग भी करते हैं, लाइक अपना क्रीम लगाना, मॉइस्चराइजर एंड टोनर. तो मैंने अभी वो कर रखा है, एंड मैं डेली बेसिस पे फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करती. तो मैंने अभी अपने फेस पे टोनर एंड मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद मैंने अभी अपने फेस के ऊपर कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रखा है, दैट्स इट. सो रिसेंटली आई गॉट माय हैंड्स ऑन NYP ब्लश प्लस हाइलाइटर पैलेट. सो ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है, ये एक मल्टीपर्पज पैलेट है. इस पैलेट में आपको मैट एंड शिमर दोनों के शेड्स मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुपर पिगमेंटेड है एंड इजिली ब्लेंडेबल भी है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये अफोर्डेबल है एंड ट्रेवल फ्रेंडली है. एंड सच बताऊं तो आई रियली लाइक दिस क्यूट पिंक पैकेजिंग. चलिए अब अपना मेकअप शुरू करें. इसमें आपको 5 मैट शेड्स मिलते हैं एंड 3 शिमर शेड्स मिलते हैं. तो मैं अभी ये वाला शेड यूज करूंगी, जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपनी आई मेकअप के लिए. वैसे तो ये एक ब्लशर प्लस हाइलाइटर पैलेट है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि मल्टीपर्पज के लिए भी यूज हो सकती, तो अभी मैं इसको अपने आई मेकअप के लिए यूज करती हूँ. तो साथ आप लगाते हैं अपना हाइलाइटर. लेकिन मैं यूजली इतना हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ, कभी कभी मेरा मूड करे तो मैं हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ. इस पैलेट में आपको 3 शिमर शेड्स मिलते हैं. सो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आप कोई सा भी शिमर शेड यूज कर सकते हैं. तो मैं ये फर्स्ट वाला करूंगी, थोड़ा रोज गोल्ड टाइप है. सो फाइनली आई एम डन विद माई मेकअप. लाइक मैं डेली बेसिस पे इतना ही मेकअप करती हूँ. गाइस मेरे को ये NYP की ब्लश प्लस हाइलाइटर पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज आपको एक ही पैलेट में इतना कुछ मिल रहा है. आज हम लोग, मतलब ये और मैं, जा रहे हैं विशाल की फ्रेंड से मिलने. और मैं उसको नहीं जानती हूँ, बस मेरी कल उससे बात हुई थी. उससे पहले मेरे को कुछ अता पता नहीं है इतने सालों से कि इसी दोस्त एक कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं पता. इसने मेरे को बस अचानक से बोला कि मेरी एक फ्रेंड आ रखी है दिल्ली, तो उसको मिलने जाना है. मैंने कहा ओके. तो आज देखा कितना जिगरा है मेरे में. क्या हुआ मतलब बेसिकली हम कल जाने वाले थे, बट कल हमें एक प्रमोशन के काम से कहीं और जाना पड़ा, तो कल का भी कैंसिल हो गया. तो आज डिसाइड हुआ, बट आज मेरे को हो गए हैं पीरियड्स. तो जिन लोगों ने भी मेरा चंडीगढ़ वाला व्लॉग देखा था जब मैं अमृतसर जाई, तो आप लोगों ने झुमका कर लिया. उस दिन भी सूट पहन रखा था ना तुमने? ये सूट नहीं था, पर्पल कलर का सूट था, और मेरा झुमका नीचे गिर गया. दिन खराब है मतलब मेरे. तो आप लोगों ने देखा था रस्ते में मेरी कंडीशन क्या हो गई थी, लाइक मरने वाली हालत थी. और आज भी मेरे को, मेरा जस्ट हुए हैं सुबह, और इसने मेरे को एक बार नहीं बोला कि तू रेस्ट कर, इसने सीधा बोला उसने नहीं आज तो जाना पड़ेगा उसको मिलने. यार एक दिन ऑलरेडी हम उसको वो कर चुके हैं कि नहीं आज नहीं आ सकते. अरे प्यारी बेबी उची, तू तो मेरी पुच्छू है, बाय बाय कर दो सबको, भाग गई. मैं जैसी गाड़ी में बैठी मैंने देखा ये क्या है,
इसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी है, मतलब किससे ऐसा किससे मिलने जा रहा है जो ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी है? ये फंस कैसी है? और जब मैं इसको बोलती हूँ ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने तब तो ये पहनता नहीं बिल्कुल भी। और मैंने ना इसको लाइक जब क्लबिंग व्लबिंग जाता है तो मैंने इसको मना कर रखा है कुछ। अभी बता तो क्या कि ब्लैक शर्ट नहीं पहननी। क्यों नहीं पहननी? लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों को ब्लैक शर्ट पहन के देख लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है। तू भी तो अट्रैक्ट हुई होगी ना ऐसे? नहीं जी मैं क्यों अट्रैक्ट हुई। अभी हमें आधा घंटा और लगेगा, मतलब आधा घंटा हमें हो गया निकले पर अभी और आधा घंटा लगेगा। ट्रैफिक बहुत है और इसको बहुत ज्यादा खुश है आज। एंड पागल है क्या? खुश नहीं है तू? खुश क्या, नॉर्मली होता है इंसान खुश क्या इसमें? मैं अपने 4 साल पुराने प्यार से थोड़ी मिलने जा रहा हूँ। 4 साल पुराना प्यार, आई डोंट नो 4 साल पुराना जो भी है, बड़े बहुत खुश है आज। प्लस मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है बस। ज्यादा वापस तबीयत खराब होती है वापस आ जाऊँ? मतलब मैं अकेली वापस आ जाऊँ? हम आ जाएंगे वापस। ओके नाइस। लोकेशन एंड हो गई। लोकेशन एंड हो गई। ये तो बिल्कुल मेन रोड पे हुई है। हाँ बस फिर लोकेशन एंड हो गई तो हंस रहा है। बेताब हो रखा है। मैं तो आ गया यहाँ पे लोकेशन, तुमने जो लोकेशन दी बेताब हो रखा है। एंड हुई है लोकेशन और मेरे सामने है ये वर्ल्ड। क्या लिखा भाई साहब इतना बड़ा वर्ल्ड वर्ल्ड पे अटक गई। हम लोग जब से यहाँ पर घूम रहे दोबारा भी लोकेशन आई पर हम लोग दोबारा से घूम के फिर रोड पे आ गए। इतनी मुश्किल से उस एरिया में घुसे थे। अब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि मेरी ऐसी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और यहाँ पर घूमी जा रही हूँ। इतना ज्यादा साइबर सिटी घूमने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर लोकेशन में पहुंच चुके। बट वो पर खुश क्यों हो रहा है ये? पर से आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक चॉकलेट खाई है, सिर्फ एक चॉकलेट। और मेरे को भूख लग रही है, बट मैं अगर खाऊंगी तो मैं श्योर हूँ कि मैं शायद वॉमिटिंग कर दूँ। पर भूख तो लग रही है, पर भूख तो लग रही है ना। गिन्नी को ढूंढ ढूंढ के हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। गिन्नी हमको नहीं मिल रही है। हेरा अब तक तो ये चिढ़ जाती थी घर में। अगर हम होते ना परी, कह रहा मैं घर जा रहा हूँ। मैगडी भी आ गई अब तो गिन्नी। कुछ अलग ही चक्कर है। मिल गई गिन्नी, मिल गई गिन्नी, मिल गई भाई गिन्नी, मिल गई। चलो चलो हमारा ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे। डिलीवरी बॉय मैं हूँ। चलो तू ही रहता है हमेशा। बस भाई रुक जा। ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है खाना। बस तो यार क्या ड्रामे कर रहा है अभी देखियो कैसे बनाते हैं। हेलो ऐसे बोलता ऐसे लग रहे हैं जैसे नॉर्मल। क्या भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा डर रखे हो। नहीं नहीं मुझे बोलना क्या है भाई, हमने तो तुम्हें अरेस्ट थोड़ी कर लिया। आप कैसे बोलो? हाय हाय और कैसे हो? गिनी गिनी को सब जानते होंगे। प्रैंक वीडियो ब्लॉग 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 तू तो प्रैंक बोल रहा था। दोनों है। अच्छा अच्छा डेली का है। ओके ओके तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे कौन खड़ा है? चॉकलेट खिला रहा है। उसे खिलानी तेरे को चाहिए। एक होता है जब लड़की बीमार होती है तो उसको खिलाते हैं। पक्का प्रॉमिस कर। इतने सारे नाम है हमारे यहाँ तो बस एक ट्रफल केक और चॉकोमट होता है, बस हम उसी दो में से चूज कर देते हैं। विशाल बीइंग अ गुड बॉय, जैसे कि आपको पता है मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को आज थोड़ा मीठा खिला रहा है चॉकलेट। गुड बॉय गुड बॉय। जिंदगी में पहली बार मेरे को जिंदगी में पहली विशाल ये पहली बार है को नहीं मारू पहली बार है। पे तेरे को बीमार होती है चॉकलेट देके जाता हूँ। पैसे नहीं लेता तू? कब लिए? देखो कभी पैसे नहीं लेता, पेट वाले दिन चॉकलेट देके जाता है स्पेशली घर पर और पैसा भी नहीं लेता। पेस्ट्री कैसी लगी? पेस्ट्री तो एक नंबर ही है, ज्यादा चिपक रहा है। लेकिन क्या ये ज्यादा चिपक रहा पिटेगा मेरे से? अभी ये पतले दीजिए अंदर से।
ज्ञान दे रहा है पूरा। और इनको देखो परेशान हो नहीं, तू तो बड़ा फ्रैंक हो गया मेरे साथ। दो चम्मच। अच्छा तो विशाल कुमार दे रहा है ज्ञान मेरी आंखों के आगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, क्या हो गया? अरे उधर जा रहा था तेरे यार, इसमें नहीं मिला है? इसमें नहीं मिला, इसमें मिल तो गया लेकिन सही नहीं मिल रहा। सही नहीं मिल रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ। यू आर कमिंग इन 2 मिनट्स। नहीं मिल रहा इधर भी पानी, नहीं मिल रहा मेरा वाला पानी, नहीं मिल रहा नॉर्मल वाला। मैं कौन सा पानी पीती हूँ? ठंडा नहीं पीती ना तू? अच्छा ठंडा पानी मिल रहा है। कुछ बात और है, ये बंदा दो बार गया इधर तो पानी बिना पानी के आ रहा है, अब बकवास कर रहा है कि पानी नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं मिल रहा, तेरे वाला पानी, मैं कौन सा पानी पीऊंगी। पेट दुखना फिर से चालू हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा मुंह पे रैप्टा मारूंगी ना 10 बार गिरेगा। ये तो टूट रहा है बैठ के। चल भाई मतलब खाए बिना बंदा चैन से फेंक दिया तेरे डब्बा उसे। डोंट नो कि विशाल कहाँ चला गया, साहू कहाँ चला गया, गिन्नी कहाँ चली गई है, मेरे को लोग दिख नहीं रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं शायद। ये भी नहीं है। विशाल मेरे को छोड़ के चला गया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे को छोड़ के चला गया। हाथ कुछ ऐसी है, घर जैसी है कि विशाल मेरे को मिल नहीं रहा है। मैंने हर जगह देख लिया, मैंने इस तरफ भी देख लिया, इस तरफ भी देख लिया, इस तरफ भी आ गया, मेरे को विशाल साहू और गिन्नी नहीं मिले। और मेरे को विशाल पे गुस्सा आ रहा है बिकॉज उसको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को बोल के जाना कि मैं इस साइड जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ। ये क्या बात होती है, आप चले गए आप मेरे को छोड़ के। बहुत देर हो गई इधर से उधर घूमते हुए, बैक साइड भी होके आ गई, मैं इस साइड भी आ गई हूँ, बट मेरे को कोई नहीं मिला। मैं खुद ना फर्स्ट टाइम आई हूँ इस जगह पे। प्लीज बताओ तो कि तुम किस साइड जा रहे हो और आप मेरे को छोड़ के चले गए, ऐसे तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है विशाल के ऊपर, तो उसको ऐसे बोलना चाहिए कि भाई हम इस तरफ जा रहे हैं तो तू आ जाइए अपना खा के। फाइनली मेरे को विशाल दिख गया, विशाल गिन्नी और साउथ दिख चुके हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ। लोगों को नहीं पता कि मैं नीचे खड़ी हूँ। वेट आई विल शो यू। शर्म नहीं है इसको, बराबर की लग रही है। नहीं जानना बेसिकली ये सब जो मैंने अभी विशाल के ऊपर चीकम चिल्ली करी, सब चिल्लाया वाया, बहुत सारी डिमांड आती है यूट्यूब पे, लाइक इतनी ज्यादा कि प्लीज प्रैंक ऑन विशाल, प्लीज प्रैंक ऑन विशाल। ये ना समझ नहीं आता बिकॉज अगर मैं उसपे मान लो फॉर एग्जाम्पल वो हिक्की वाला प्रैंक कर दूंगी या तो फिर स्मोकिंग प्रैंक कर दूंगी, एक्सीडेंट प्रैंक कर दूंगी, तो वो समझ जाएगा कि प्रैंक है, कि परी ऐसी है ही नहीं। पर ना अभी जैसे किसने मेरे को बोला था जिस दिन कि परी मेरी फ्रेंड आ रही है उसे मिलने देने, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी और एक प्रैंक करूंगी, कि जेलसी प्रैंक काइंड ऑफ, कि मेरे को बहुत गुस्सा आया तो उसके साथ क्यों घूम रहा है, ये है वो है अनाप शनाप। तो मेरे को इससे अच्छा मौका नहीं मिला प्रैंक करने का। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर प्रैंक ऑन विशाल एंड गिनी टू। गिनी साथ में फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मेरे को पता नहीं है कि उसका क्या रिएक्शन आएगा। मे बी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए मेरे ऊपर, बदतमीजी लड़ाई वड़ाई ना हो जाए बस। ये लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, लेट्स सी। गिनी इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ विशाल, तो थोड़ा विशाल को झुकना पड़ रहा है। इसने बोला सुनो आई लव यू, अब मैं बताती हूँ उसका सारा आई लव यू निकालूंगी आज मैं। ये गिनी की ब्रदर है, तो मैं अपना प्रैंक करने वाली हूँ, सो प्लीज हो जाए मेरे से। अच्छा अच्छा करवाऊँ अभी। No touching, no touching. तो touch कर रहा हूँ।
साहु भी तो था हमारे साथ। तो कैसे बताओ कि साहु था कि नहीं था? अरे तो वीडियो तो कंप्लीट होने थे भाई, मेरे को भी बनानी है मेरे साथ। भाई भी डर रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर चल। सुन क्यों रहे उनकी बात, मेरी बात सुनने में कह रही हूँ ना कि मैं घर जाना, तो घर चल। हेलो, अब मैं किसी उसके हाथ रखूं तो? हेलो, घर चल। मेरे को पता है तुम्हें वो जिसने उठाया था, इसलिए इस बंदे को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी मैं जबरदस्ती लेके आई। क्यों लेके आ रहे हो? नहीं नहीं, घर चल। अभी चल रहे हैं, थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं। नहीं आंटी, जरा मैं शूट कर रहा हूं। सॉरी, मेरा सॉरी, मेरा कसम से वो मतलब नहीं था। अब तू टच हो रही है? मैं टच होंगी? ओ सॉरी, रोने लग गई। ओ भाई रोने लग गई। बिल्कुल भी ऐसे नहीं भाई, मैं खुद तुमसे मिलने को कह रही थी, मेरे को आना था, ऐसा कुछ सीन नहीं था। भाई नहीं आई, तूने मेरी दोस्त को मारी, तुम बजाई से बजाई से बजा। ओ मैं तो सही में रोने लग गई भाई, मुंह लाल हो गया। तो सॉरी मेरे लिए, बस प्लीज बुरे कमेंट मत करना आप लोग, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। इट वाज जस्ट अ प्रैंक एंड ट्रस्ट मी, मेरा पहला प्रैंक था और पहला प्रैंक थोड़ा सक्सेसफुल था। और ये टू टेक प्रैंक, से हाय, से हाय। चाटा मारे, इसमें चाटा मारे पहले 40 में मारा, भर के मारूंगा घर जाके। हाँ ठीक है यार, तुम्हें तो अंदाजा लगा लेना चाहिए था ना। अरे तुमने बिहेवियर शुरू से नहीं नोटिस किया? मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ क्या? परी मेरे को भी क्यों यार पानी पानी दे दो। तो गाइस परी देख लो, रुला दिया इसने, रुला दिया, इसमें चाटा मारो इसमें। यार ये बताओ गिनी, मेरा लाइफ का पहला प्रैंक है एंड वो तुम पे हुआ है। आई एम सो हैप्पी। यू आर हैप्पी बट शी इज नॉट हैप्पी। नहीं अब मैं खुश हूँ कि चलो ये झूठ था, हकीकत नहीं था। अब मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को ऐसे कुछ नहीं है, हाथ बात रहो कुछ भी करो। अब मेरे को फर्क नहीं है, चाहे से ले जाओ। नहीं लेके तो नहीं जाना। ओके ये बात, इतना बड़ा प्रैंक करने के बाद, लाइक मेरे लिए बहुत लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एक प्रैंक करना। वो बंदी सच में रोने लग गई। वो सच में रो रही थी यार, मेरे को बहुत बुरा लगा यार, मेरी वजह से कोई रो दिया, मेरे को बहुत बुरा लगा, बट कोई नहीं। तो कैसी लगी मेरी दोस्त आप सबको भी, और व्हाट अबाउट यू, कैसी लगी अब बकवास है, अभी पिटेगा भी मैं। मेरी दोस्त लगी कैसी है, तो पहले कैसी लगी मेरी दोस्त? तो अच्छी लगी थी, मुझे अच्छी लगी थी। कोई नहीं, अच्छी है, गिन्नी इज अ वेरी नाइस गर्ल और अच्छी लगी मेरे को वो, बट मेरे को प्रैंक करना पड़ा। इट्स ओके, आप लोगों के लिए कर रहा है मैंने वो प्रैंक, बट हाँ अगर इन फ्यूचर ये लड़की से बातें ज्यादा करेगा, गिन्नी से नहीं, गिन्नी की बात नहीं, किसी भी और लड़की से, तो मैं बहुत मारूंगी इसको बहुत ज्यादा। तो अब यार मेरे क्यों मारेगी, जरा ये तो पूछो। Who are you? I am your friend. Okay, bye. तो क्या बोला तूने? एयरपोर्ट जाने आया ये। फोन का टेम्पर ग्लास ना बहुत, मतलब दो बार हो गए, मैंने दो बार लगवाया, दोनों बार टूट जाता है, पता नहीं कैसे। तो मैं सोचू एक बार यहाँ पर स्टोर में पता करूं कितने का लगता है, वैसे तो यहाँ बहुत महंगा लगेगा, बट लेट्स सी। तो आया iPhone 14 मैंने, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। और ये आया विशाल, ले रहे एयरपोर्ट से, बता भाई अभी, बता अभी दूंगी वैसे। आया भाई तू जिस चीज पे हाथ, सेकंड जनरेशन शर्म है, फोटो एडिट करके छोड़ दियो। वॉलपेपर लगा रहा हूं, थर्ड जनरेशन दिला दे मुझे। थर्ड जनरेशन तेरा बर्थडे भी आ रहा है, 18,500 का दे दियो, ठीक है बर्थडे पे। ओके भाई क्या चाहिए? आई वॉच भी चाहिए। आई वॉच भी चाहिए ये वाली, और मेरे को तू चाहिए 36,000 वाली आएगा। ठीक है आई वॉच लिया, मैं आ जाऊंगा। ठीक है दिला दे वाला, ये है टॉप मॉडल सीरीज 7 होगा। बाप रे अपने आप चल गया। हाल में तो मेरे को बोलता कि 600 रुपए का लगता है टेम्पर ग्लास, और यहाँ पे 1100 रुपए का, 1500 बोल रहे हैं वो डिस्काउंट करके, 1100 रुपए। मैं तो 15 बार बुलवा लूँ, 15 बार 100 रुपए का लग जाता है सीपी में। ये एप्पल सर्टिफाइड है? नहीं ये नहीं है पागल, नीचे होगा कवर भी लेना है। सही बताओ मेरे को, देख टेम्पर ग्लास लगवा रही हूँ कि हमने ना दो बार लगवा लिया अपने मैक्स फोन पे, दोनों बार टूट रहा है, साइडों से टूट जाता है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इससे बेटर है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा काम करते हैं, एप्पल स्टोर से लगा देते, फोन एप्पल के तो अब टेम्पर भी एप्पल के लगे। हम नहीं क्या बेच खाइए शर्म, जी
पहली बार लगाती हूँ अपने फोन पे समझा क्या महंगे वाले टेम्पल लगाती हूँ फोन में नहीं लगवाया एक बार लगवाते 600 रुपए का वो भी इमरजेंसी में क्योंकि मेरा टूट गया था उसी टाइम और मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी थी और आज मैंने लगवा लिया 1,099 मोटा पैसा इन्वेस्ट करो अच्छा काम मिलेगा सो माय गॉड देखो इतना मोटा कितना कर दिया 1100 रुपए में मोटा पैसा इन्वेस्ट करो जब मैं शर्ट बाहर टक आउट कर लेता हूं जिन लोगों को नहीं पता है टिम हॉर्टन्स कनाडा का ब्रांड है जो इस टाइम पे दिल्ली में लोग ऐसे बावले हो रखे हैं उसके पीछे पूछो मत मैंने भी स्नैप पे वीडियो भी डाल दी इतनी लंबी लाइन ना बाहर तक लगी हुई टिम हॉर्टन्स के लिए भैया क्या बेच रहे हैं सोना बेच रहे हैं क्या बेच रहे हैं क्या 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 कहता मैं तो बस स्टारबक्स पीता हूँ रामी स्टारबक्स गया नहीं आज तक फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ लाइक मैं मतलब अपने फर्स्ट डे पे मुझे रेस्ट करती हूँ बट मेरा बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पाया मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी मैं पहले अभी आ गई हूँ 15 मिनट हो गए हैं बट पहले मैंने ना डॉलो को लाइक डेली मेरे को नीचे लेके जाना पड़ता है उसको फ्रेश होता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी है उसके प्रति ये मेरा पहला प्रैंक था पहले प्रैंक में गिनिया रो पड़े मेरे को लिटरली बहुत बुरा लगा जब वो रोई थी यार मैं उसको रुलाना नहीं चाहती थी इट वॉज जस्ट अ प्रैंक बट कोई नहीं अच्छा रहा मेरे को मजा आया प्रैंक करने में फर्स्ट टाइम किया था बट मैं ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाई तो ओवर ना हो जाए ज्यादा ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो वो भी कर देना ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेगी आई लव यू ऑल